हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आज ही रिलीज हुई है थिएटर्स में। शहजादा तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वेकंथपुरम अल्लू की ऑफिशियल रीमेक है। शहजादा की कहानी है बंटू की, जिसको प्ले किया है कार्तिक आर्यन ने। बंटू पैदा तो हुआ था करोड़पति जिंदल फैमिली में, पर जन्म होते ही वाल्मीकि यानी परेश रावल द्वारा अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है और परेश रावल बंटू की जगह अपने बच्चे को रख देता है, जो बन जाता है जिंदल एम्पायर का वारिस। 20 साल परेश रावल का बेटा बनकर लोअर मिडिल क्लास लाइफ जीने के बाद बंटू को पता चलता है कि वो एक्चुअली में जिंदल एम्पायर का असली वारिस है। बस कैसे फिर बंटू अपनी असली फैमिली को सच्चाई बताए बिना उनकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी थिएटर्स में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है देसी बॉयज और डिशूम के डायरेक्टर रोहित धवन ने और प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, अमन गिल और खुद कार्तिक आर्यन ने। स्क्रीन प्ले तेलुगु ओरिजिनल फिल्म से हूबहू उठाया गया है। प्रीतम का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, लेकिन अगर सॉन्ग्स के बारे में कहें तो सिर्फ एक ही गाना डिसेंट है, जो है टाइटल सॉन्ग शहजादा, जिसको सोनू निगम ने बहुत ब्रिलियंट तरीके से गाया है। फिल्म शुरू ठीक ठाक होती है, पर धीरे धीरे नीचे लुढ़कने लगती है। इंटरवल के बाद फिल्म का ग्राफ एकदम से गिर जाता है। ऐसा लगता है फिल्म सिर्फ अपना रनिंग टाइम कंप्लीट करने के लिए चल रही है। स्क्रीन प्ले पर आज के हिसाब से कोई भी मेहनत नहीं की गई है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर ये प्रूव किया कि वो एंटरटेनिंग कमर्शियल हीरो बन सकते हैं, पर अफसोस कि बिना अच्छी स्क्रिप्ट के एक बड़ा हीरो बनना मुश्किल है, ये फिल्म उन्हें बताएगी। प्लस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस उनकी फिजिक के हिसाब से उनको सूट नहीं करते, ये क्लियरली देखा जा सकता है। कृति सैनन हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं, पर फिल्म में बस एक एसेसरी की तरह मटकती नजर आई हैं। फिल्म में रोनित रॉय, मनीषा कोइराला और सचिन खेडकर ने अपना रोल बखूबी निभाया है। सिर्फ अगर कुछ ओरिजिनल फिल्म से अच्छा है तो वो है परेश रावल का कैरेक्टर। वो किसी भी फिल्म को बोरिंग होने से बचाने का दम रखते हैं और उन्होंने मुरली शर्मा से भी ज्यादा विकेट तरीके से ये बुरे बाप का कैरेक्टर निभाया है। ये स्वर्ग है, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुझे बहुत पुण्य करने पड़ेंगे या मरना पड़ेगा। फिल्म में विलन का रोल निभाया है सन्नी हिंदुजा ने, जो ओटीटी के जाने माने एक्टर हैं, पर ओवर द बोर्ड रोल से यहाँ इंप्रेस नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, ये रीमेक हमें फिर से ये याद दिलाता है कि क्यों बॉलीवुड को रीमेक नहीं ओरिजिनल कंटेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल इस फिल्म को कार्तिक आर्यन के यूथ के लिए कृति सैनन की खूबसूरती, परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग थोड़ा बचाती है, लेकिन इतना ही कि ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपनी रिकवरी भी कर पाए। हमारी आपको राय है कि आप वेट करें, 2 हफ्ते में ये ओटीटी पे आ जाएगी, शायद पहले ही हफ्ते के बाद आ जाए। वेल दोस्तों, तो ये था शहजादा फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कुछ छूट गया हो तो कॉमेंट्स में बताइए। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को कार्तिक आर्यन और कृति सैनन के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूं। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।